आज हम दादी माँ से हरी मिर्च का अचार बनाना सीखेंगे। भरमा हरी मिर्च का अचार कैसे बनाया जाता है ये आज हम दादी माँ से सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या सामग्री चाहिए। हरी मिर्च हमने बीच से फाड़ लेंगे इस तरह। अच्छा, इस तरीके से कटी हुई हम आपको बताएंगे कैसे इस मिर्च को काटना है। इस शेप की लंबी मिर्च लेनी है। हाँ जी, उसके बाद ये सौंफ है। अच्छा, ये कुछ पिसा हुआ लग रहा है, ये दरदरा सा कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, मिक्सी में थोड़ा सा हल्का सा पिसा हुआ सौंफ। हाँ जी, और ये राई। अच्छा, राई को भी पिसा है। हाँ, राई को भी देखिए मिक्सी में पिसा हुआ है। कितनी उसमें ली है ये दोनों चीजें? लगभग दो चम्मच बड़ी। दो बड़ी चम्मच सौंफ पिसी हुई और दो बड़ी चम्मच राई। इसके अलावा ये तेल सरसों का, सरसों का कच्चा तेल लेना है जिसे कच्चे धानी का तेल कहते हैं। हाँ जी, उसके बाद इसके अलावा एक छोटी चम्मच हल्दी। हाँ जी, एक चम्मच मिर्च, लाल मिर्च, दो चम्मच नमक, ये इस्तेमाल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांच के जार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरीके का कांच का जार लेंगे मिर्च का अचार डालने के लिए। कांच के जार का सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसमें अचार ज़्यादा दिन तक चलता है और खराब नहीं होता। खराब नहीं होता। हाँ जी जी, हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए पहले बताइए कि किस तरीके की हरी मिर्च हमें खरीदनी है। हरी मिर्च ये हमें मोटे वाली लेनी चाहिए। अच्छा, ये देख के ले कि ये खराब ना हो रही हो कहीं से, गली हुई ना हो, तो साफ मिर्च लीजिए। हाँ जी, इसके हमने डंठल अलग कर दिए जी। आपने धोई हुई है? हाँ, धो के ये पानी सुखा दिया। अच्छा, इसको अच्छे से पहले वॉश कर लिया है और फिर इसको सुखा दिया है, मतलब कपड़े से पूछ लिया है। अच्छा, काटने के लिए पहले इसकी डंठल को अलग निकाल लीजिए। हाँ जी, इस तरीके से सारी मिर्चों की डंठल अलग निकाल लेंगे। जो इसका ये पीछे वाला पोर्शन होता है वो आप हाथ से या चक्कू से आराम से निकाल सकते हैं। अब इनको हम मसाला भरने के लिए बीच से ऐसे काट लेते हैं। अच्छा, इसमें बीच में से चीरा लगाना है। ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसे बीच से कट लगाएंगे, जिसको चीरा लगाना बोलते हैं। ये ऐसे हो जाए और इसके अंदर अच्छे से मसाला भर जाए। इसके अंदर अचार का मसाला भरेंगे। ये देखिए सारी मिर्च अचार के लिए कट चुकी है। अब इसके बाद क्या करेंगे दादी जी? अब इसमें मसाला भरेंगे। तो मसाला तैयार करते हैं, अचार का मसाला तैयार करेंगे और इसमें उसे भरेंगे। सबसे पहले एक बाउल लिया है जिसके अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। सौंफ डाले, सौंफ डाला सबसे पहले। राई डाल ले, राई डाल लिया, जो दो चम्मच पिसा हुआ राई लिया था। और आधा चम्मच हल्दी, छोटी चम्मच है तो आधा छोटा चम्मच हल्दी। और थोड़ी सी लाल मिर्च, लाल मिर्च। सबसे पहले एक बाउल लिया है जिसके अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। सौंफ डाल ले, सौंफ डाला सबसे पहले। राई डाल ले, राई डाल लिया, जो दो चम्मच पिसा हुआ राई लिया था। और आधा चम्मच हल्दी, छोटी चम्मच है तो आधा छोटा चम्मच हल्दी। और थोड़ी सी लाल मिर्च, लाल मिर्च। और नमक स्वाद अनुसार। अच्छा, जैसे इस मिर्च के हिसाब से आप दो चम्मच नमक ले रहे हैं। मिर्च आपने 250 ग्राम ली है। हाँ, 250 ग्राम मिर्च का अचार। अच्छा, 250 ग्राम मिर्च का अचार बनाने वाले हैं। इन सबको मिक्स कर लिए, मिला लिया। हाँ जी, अब इसमें, हाँ जी, हम थोड़ा कच्चे तेल का क्या हिसाब रहेगा? अच्छा, जितने भी मसाला मिल जाए, मिल जाए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तेल डाल के मसाले को मिला रहे हैं। तेल कच्चा होना चाहिए। ये मसाला तैयार हो गया। मसाले में तेल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मुझे लगता है ये
एक बड़ा चम्मच तेल ही इसके अंदर डाला होगा, है ना। बस बहुत ज़्यादा तेल, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इतनी क्वांटिटी जितने में ये मसाला तेल के अंदर देखिए मिक्स हो जाए, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब ये मसाला मिर्च भरने के लिए तैयार है। अब हम ये मसाला इसमें भरते हैं। देखिए ये जो मसाले में मिर्च में हमने इस तरीके से चीरा लगाया था, इसके अंदर अच्छे से मसाला भरेंगे। मसाले को अच्छे से चम्मच से या हाथ की मदद से बढ़िया तरीके से इसे फिल कर देंगे। ये हमारे इस तरीके से, इसीलिए ये जार लंबा लिया है कि इसके अंदर मिर्च आराम से आ जाए। इस तरीके से इसको फिल कर लेंगे। अच्छा, अगर हमारा जार छोटा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं दादी माँ? इसके मिर्च के दो पीस कर सकते हैं। अच्छा, लंबी मिर्च के दो पीस करके भी इसको भरा जा सकता है। अच्छा, जैसे ये है। अच्छा, जैसे ये पहले भर लिया, उसके बाद पहले इस तरह से भर लीजिए, उसके बाद बीच में से इसे काट के और फिर भी डिब्बे में रखा जा सकता है। ऐसे भी रख सकते हैं इसको। अच्छा, इससे क्या होगा, एक तो खाने में भी आसान रहेगा। अगर आप पूरी लंबी मिर्च डालना चाहते हैं तो लंबा डालिए, नहीं तो आप इस तरह से काट के भी मिर्च को डिब्बे में डाल सकते हैं। ये हमारी मिर्च तैयार हो गई, मसाला भर दिया इनमें। ये डिब्बे के अंदर भरी जा चुकी हैं, अब इसे बंद कर देंगे ढक्कन। और कुछ धूप लगाना है या रसोई में ही रखना है? नहीं, रसोई में रखे रहो, 4-5 दिन बाद खाना शुरू कर सकते हैं। ये हमारा देखो मसाला भरी हुई मिर्च है। अच्छा, 4-5 दिन में हम इसे खाना खा सकते हैं। हरी मिर्च का अचार जार में फिल हो चुका है, 1 हफ्ते तक इसको आपको रखना है, उसके बाद आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं। हरी मिर्च गर्मी सर्दी सभी मौसम में मिलती है, तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं। अगर आपको दादी माँ का हरी मिर्च का अचार पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी हम दूसरी वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।